तो अगर आपकी तोंद लटकी हुई है, पेट निकला हुआ है, कमर चौड़ी है, तो इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाकर पी लीजिए जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही दो रेमेडीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको खाकर पीकर आप अपना वजन बेहद तेजी के साथ कम कर पाएंगे। तो किस तरह से इस डिटॉक्स ड्रिंक को आपको बनाना है, किस तरह से पीना है, कब पीना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है कलौंजी के बीज, जिसको कि अनियन सीड्स भी या फिर प्याज के बीज भी बोलते हैं। मार्केट में आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर बहुत ही सस्ते में ईजिली मिल जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले इसके फायदे बता देती हूँ। कलौंजी के जो बीज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी शरीर के रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। इसके अलावा कैंसर से भी फाइट करता है। इसके साथ ही ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको भी घटाने में हेल्प करता है और ओवरऑल जो हार्ट की हेल्थ होती है, हार्ट को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की उसको बिल्ड करता है, लीवर को भी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। इसके साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो लोग डायबिटिक हैं तो वो लोग बहुत ध्यान से इसको कंज्यूम करें। अगर आप डायबिटिक ज़्यादा है, यानी कि शुगर अगर आपकी ज़्यादा है, तब तो आप इसको ले सकते हैं, पर लो शुगर लेवल के लोग इसको ना लें या फिर बहुत ही कम अमाउंट में लें, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कम करती है और वेट भी लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको घटाने में बहुत ही ज़्यादा, ये एक मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, जो बहुत अहम भूमिका निभाती है और इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने कलौंजी के बीज ले लिए। आपको जितने भी कलौंजी के बीज भूनने हों, पीसने हों, उतने आप ले लीजिए। सिंपली कलौंजी को आपको कढ़ाई में डाल देना है और किसी भी कढ़ाई में डाल दीजिए, लोहे की, एल्यूमिनियम की, किसी भी कढ़ाई में डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है। हल्का सा बस इसको हमें रोस्ट करना है और इसके बाद में गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद में मिक्सी के जार में डालकर इसका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको भून कर पीसने से फायदा क्या होता है कि एक तो ये पिस्ता अच्छा है जब इसको हम भून देते हैं, तो साथ ही इसकी जो एसेंशियल, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वेट लॉस करना इससे बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा जो इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, वो भी काफ़ी एक्सपेडाइट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अगर आप कलौंजी के बीज को एज सच, यानी कि आप साबुत फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करेंगे किसी भी तरह से, तो वो इतने अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इस तरह से पीस कर अगर आप खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये एब्जॉर्ब होता है, बॉडी बहुत अच्छे से इसको अच्छे से अपने अंदर सोखती है। तो देखिए, यहाँ पर कलौंजी का पाउडर हमने बना लिया है। अब इसको ठंडा करके आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। अब आइए, सबसे पहली होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि कलौंजी से बनी हुई है। इसके लिए आपको लेना है 1 ग्लास के करीब पानी। इसको आपको अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद में इसको हल्का ठंडा कर लें, या फिर आप गर्म भी कर सकते हैं इसको, इतना गर्म करें आप कि आप पीने लायक हो, और उसके बाद में आप इसमें डाल दीजिए लगभग 1 चम्मच के करीब कलौंजी का पाउडर। तो बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स ड्रिंक बनकर तैयार होगा। इसको आप खाली पेट पीजिए, अर्ली मॉर्निंग आपको पीना है, और आप देखिए आपको बहुत ही बढ़िया इसके मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी सिर्फ इसमें हमने डाला है कलौंजी का पाउडर, इसके साथ कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से भरकर आप रख सकते हैं, खराब नहीं होता। आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में आपको रखना है और बहुत लंबे समय तक ये चलता रहता है। अब इसमें आपको डालना है अनदर डिटॉक्स इंग्रेडिएंट, ये है हमारा नींबू, और नींबू भी डिटॉक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आप सभी को पता है। नींबू बहुत अच्छा क्लेंजर होता है और लीवर को भी साफ करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही इंटेस्टाइंस में जो कचरा जमा होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है बॉडी का कहीं पर भी जमा हुआ, उसको निकालने में मदद करता है। तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है हनी। हनी आप चाहे तो इसमें ऐड करें, चाहे तो ना ऐड करें, और सिर्फ आपको इसमें नींबू ज़रूर ऐड करना है। हनी आप तब ऐड कीजिएगा इसमें जब आपको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे। अगर किसी को इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप आधी चम्मच के करीब इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। इस ड्रिंक को आपको दिन में 2 बार पीना है, सुबह खाली पेट और शाम को। अब आइए, दूसरी होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सेकेंड होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा दही, और इस रेमेडी को आप दोपहर में खाने के वक्त ले सकते हैं। जैसे अगर आपने आधी कटोरी दही लिया है, तो दही में सिंपली आप ये पाउडर मिला लीजिए। नमक वगैरह आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, या फिर इसको आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपने बेसन का चीला बनाया है, या फिर सूजी का उत्पम अगर आप खा रहे हैं, तो उसके साथ में, या फिर आप ओट्स का दलिया, या फिर आप गेहूँ का दलिया ले सकते हैं नाश्ते में। ये सारे नाश्ते अगर आप इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, या फिर लंच में, डिनर में, तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। और साथ में आप ये जो
दही मैंने बनाया है ये भी आप ले सकते हैं, या फिर तीसरी होम रेमेडी में आप सिंपली कलौंजी के बीज ले लीजिए इस तरह से आधी चम्मच के करीब, और सिंपल आप हल्के गुनगुने पानी से इसको फांक सकते हैं। दिन में दो बार आपको फांकना है, तो कोई भी आपको एक रेमेडी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि तीनों रेमेडी फॉलो करनी है, कोई एक रेमेडी फॉलो करनी है। और इस तरह से अगर आप कलौंजी को भून कर पीस कर मेरे तरीके से ड्रिंक बनाकर पियेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। वैसे तो तीनों ही जो रेमेडीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो पहली वाली होम रेमेडी थी उसको आप दो बार दिन में पीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बाल भी इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये होम रेमेडी, लिखकर ज़रूर बताइएगा, बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह की और भी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। टिल देन शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।